welcome everyone to the online classes with me Vaishnavi and I am here to discuss factual passage. Now very first thing, in the recent video when I made the video on syllabus, so logo ka abhi bhi ye question hai ki ma'am term first kya hai, term second kya hai, exam kaise aayega, to bilkul ye term first term second do exam hi hain aapke. एक एग्जाम जो आपके अक्टूबर नवंबर में होने वाला है और दूसरा एग्जाम जो आपका मार्च अप्रैल में होगा. तो इस तरह से ये दो एग्जाम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. सो यस, फैक्चुअल पैसेज और डिस्कर्सिव पैसेज क्या होता है? अब दो एग्जाम है, एक अक्टूबर नवंबर में आपको देना है, एक आपको मार्च अप्रैल में देना है. बट नाउ वी आर हियर टू डिस्कस कि पैसेज में फैक्चुअल पैसेज क्या है और डिस्कर्सिव पैसेज क्या है. तो जैसा कि नाम है फैक्चुअल पैसेज, तो फैक्चुअल पैसेज पे वीडियो बनाने के लिए जिन्होंने भी बोला था, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है. फैक्चुअल पैसेज मतलब फैक्ट बेस्ड, ठीक है. अब आप पूछेंगे फैक्ट बेस्ड क्या होता है, तो जो एक फैक्ट के बेसिस पे कोई भी पैसेज लिखा जाए वो फैक्चुअल पैसेज होता है. तो जो फैक्ट बेस्ड पैसेज हुआ करते थे वो पहले पैराग्राफ वाइज होते थे. क्या होता था कि पैराग्राफ में ही फैक्ट्स लिखे होते थे. अब ये फैक्चुअल पैसेज का प्रेजेंटेशन डिफरेंट कर दिया गया है, चाहे वो पाई चार्ट के फॉर्म में होता है, चाहे वो बार ग्राफ के फॉर्म में होता है. तो इस तरह से अब फैक्चुअल पैसेज जो प्रेजेंट किए जाते हैं. जो डिस्कर्सिव पैसेज है उसका क्या मतलब है, तो आपको बता दिया जाए. डिस्कर्सिव पैसेज जैसे कि नाम है, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन होता है इन डिटेल, किसी भी टॉपिक पे वो पैसेज होता है, बीट स्टोरी बीट एनीथिंग. पर ये जो फैक्चुअल पैसेजेस होते हैं ये डेटा बेस्ड होते हैं. अभी डेटा बेस्ड क्या है, तो एक ग्लिम्स इनका देख लेते हैं कि अब ये एग्जाम में आएंगे कैसे. तो जैसे ये रहा आपका एक पैसेज, तो ये एनालिटिकल पैसेज कहलाता है. अब एनालिटिकल पैसेज क्या है, तो ये पैराग्राफ ऐसे दिया रहेगा एक पाई चार्ट, ठीक है. और ये सर्वे है व्हाट मेक्स पीपल मोस्ट हैप्पी, ठीक है. तो इसमें अलग अलग पैसेज दिए हैं कि अपने हॉबी को फॉलो करना 22% लोगों को खुश करता है, ट्रैवलिंग करने से 15% लोग खुश होते हैं, अदर फैक्टर्स जो है वो 14% है. अब इस पाई चार्ट को स्टडी करके एनालिटिकल जो है एनालिसिस करके आप कितना आंसर दे सकते हैं. जो दूसरा है वो भी देखिए, हॉबी से 24% है, अदर फैक्टर से 10% है. तो दो लोगों का कंपैरिजन, पीपल अंडर 30 इयर्स ऑफ एज एंड पीपल ओवर 30 इयर्स ऑफ एज, और दोनों का जो डेटा है वो अलग अलग है. जो अंडर 30 इयर्स वाला है, मतलब आपका पहला पाई चार्ट, तो आप देखेंगे 22% है जो अपनी हॉबीज को फॉलो करके खुश होते हैं. वहीं पर यहाँ पर 24% है जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं जो अपनी हॉबी को फॉलो करके खुश होते हैं. फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी से कौन कौन खुश होता है, तो ओवर 30 वाले 20% लोग खुश हो जाते हैं. हैविंग अ गुड अपीयरेंस, एक अच्छी अपीयरेंस से जो अंडर 30 वाले हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं, 18%. तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ऐसे ही आपके डेटाबेस क्वेश्चन बनते हैं जहां पर आपसे पूछ लेगा कि अंडर 30 वाले क्या हैं और ओवर 30 वाले क्या हैं, तो उस पे आपको आंसर करना होगा. अभी ये देख लेते हैं, जैसे एक और है ग्रोथ के बारे में, यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है. कह रहा है ग्रोथ है, किसकी ग्रोथ है, कैसी ग्रोथ है, कौन सी ग्रोथ है, क्यों ग्रोथ है. तो ग्रोथ के बारे में कहा, प्रोडक्शन सेक्टर में 11% है, एग्रीकल्चर में 12% है, एजुकेशन में 20% है, फाइनेंस में 18% है. तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर का ग्रोथ रेट बताया हुआ है इन परसेंटेज. अब आपको हो सकता हो कि एक प्रॉपर पैराग्राफ ऐसे दे दिया हो, क्या कि ये हिस्टोग्राम ये पाई चार्ट इतने लोगों का सर्वे दिखा रहा है 100 पीपल का. तो अगर वो कहा 18% फ्रॉम टोटल ऑफ 100, तो 18% ऑफ 100 निकाल के आप आंसर कर सकते हैं. तो इस तरह से डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आते हैं. तो ये जो है बोर्ड में न्यू इंक्लूडेड है, एक नया अच्छा सा टॉपिक है जो नया लाया गया है, न्यूली इंक्लूडेड है. इससे क्या होगा, ना सिर्फ आप बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि अपकमिंग लाइफ में कभी भी कोई भी सर्वे देखेंगे, कोई भी ऐसा बार चार्ट हिस्टोग्राम या फिर कोई पाई चार्ट देखेंगे, तो कम से कम आप उसको स्टडी करके उसका प्रॉपर आंसर दे सकते हैं. तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, स्टडी द ग्राफ बिलो विच इज बेस्ड ऑन अ सर्वे डन ऑन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन 3 different schools इन अहमदाबाद. अब ये देखिए, 3 different schools का सर्वे अलग अलग तरीके से दिया हुआ है अहमदाबाद के स्कूल के. अब ये चार्ट में है क्या, स्टूडेंट स्पीकिंग हिंदी एंड स्टूडेंट स्पीकिंग इंग्लिश. सो वेरी वेरी बेस्ट टॉपिक है ही हैज चूजन. अब इसमें क्या करना है आपको, इसको स्टडी करके समराइज करना है ये डेटा को 80 words में. नाउ सी, 3 school का डेटा है, एक है आपका गवर्नमेंट स्कूल, एक है आपका प्राइवेट और एक का है केंद्रीय विद्यालय केवीज. तो अगर आप केवीज में देख रहे हैं तो हिंदी बोलने वाले भी हैं, इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, तो ठीक ठीक सा है. प्राइवेट सेक्टर में आपको मिल रहा है इंग्लिश वाले
वाले बहुत ज्यादा है, हिंदी वाले कम है. देर आफ्टर वेन यू गो टू गवर्नमेंट कॉलेजेस तो ब्लू वाला कम है, मतलब इंग्लिश बोलने वाले कम है एंड हिंदी बोलने वाले ज्यादा है. तो एक तरह का क्वेश्चन ये भी बन सकता है टू समराइज. तो ये था इंट्रोडक्शन फैक्चुअल पैसेज का, बिकॉज यू सेड टू मेक वीडियो ऑन इट. सो ये हैज द वीडियो ऑन द फैक्चुअल पैसेज एंड बैक टू बैक आपके लिए रेगुलर वीडियो अपडेट्स आ रहे हैं. बस यू हैव टू वॉच इट एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. वी डोंट हैव मच टाइम नाउ. अब डिस्कर्सिव पैसेज जो है वो बहुत ही ईजी होता है, वो हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं एंड वी आर इन हैबिट ऑफ इट. बट फैक्चुअल पैसेज एंड दैट टू एनालिटिकल इज नाउ अ न्यू थिंग. तो इसलिए दिस वीडियो वॉज नेसेसरी एज यू पीपल हैव डिमांडेड फॉर इट. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से क्वेश्चन पाई चार्ट, ना सिर्फ पाई चार्ट पे हिस्टोग्राम्स, बार ग्राफ्स, इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आ जाया करते हैं. तो हाँ, आज के वीडियो के लिए इतना ही. कोई और टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा. थैंक यू.